तो जब हम इस आधुनिक रिसर्च सेंटर पर आते हैं और तमाम बिल्डिंग्स में आते हैं तो बड़े बड़े लोग जिन्होंने यहाँ पर मकाम हासिल किया है ब्रिटेन में, उन सब का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आर आर पूनावाला हो जो जहाँ पर आए एस्ट्राज़ेनेका के साथ उन्होंने को लेकर उन्होंने कोलैबोरेट किया यहाँ पे रिसर्च सेंटर के। अलग अलग क्षेत्रों से भारतीयों ने सिनेमा का क्षेत्र हो, खाने का क्षेत्र हो, करी को मशहूर बनाने का क्षेत्र हो, हेल्थ हो, वैक्सीनेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक अपना नाम और मकाम कमाया है और अपने आप को सरकार में भी स्थापित किया है। आज वो सरकार चलाने वाले जो बोरिस जॉनसन की सरकार है उसके सबसे अहम लोगों में है। तो यहाँ तक भारतीय पहुँचे ये अपने आप में कमाल की बात है। इसीलिए भारत और ब्रिटेन का जो रिश्ता है वो भविष्य की तरफ देखते हुए बहुत बेहतरीन हो सकता है और उसके तमाम नई अलायंसेस पैदा हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड्स के इन्फ्लुएंस का जहाँ तक सवाल है, प्रभाव का जहाँ तक सवाल है, वो वक्त के साथ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। देखिए, मोदी सरकार की कम से कम 20 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्राथमिकता है, उसमें यूके उच्च प्राथमिकता पर है और होना भी चाहिए। यूके ट्रेडिशनल हमारा पार्टनर रहा है और मैंने जैसा बताया कि कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा रहे हम। तो हाँ, ब्रेग्जिट के बाद में जहाँ तक देखते हैं मुझे लगता है कि कहीं ये बेहतर होगा और यूके को भी एक नए पार्टनर्स की तलाश होगी। उसमें भारत से बेहतर पार्टनर हो नहीं सकता यू से अलग होने के बाद में। निश्चित रूप से यूके को कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को बढ़ाने में एक पूरी वर्ल्ड मार्केट में जाने का जो मौका मिलेगा उसमें भारत का बड़ा हिस्सा हो सकता है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी निश्चित रूप से बेहतर करेंगे और साथ ही जो हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को मदद मिलेगी, हम लोग कंपिटिटिव होंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और पर्टिकुलरली यूके का अगर ब्रिटेन को देखें तो एक ट्रेडिशनल पार्टनर होने की वजह से और इंडियन डायस्पोरा वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी हमारे ट्रेड के बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है। तो शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही कि जो भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं जिनका प्रतिशत बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में, वो एक किस्म के एम्बेसडर्स भी होते हैं भारत के लिए। लेकिन साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि आज के युग में वो आकर ये बता रहे हैं कि भारत कितना बदला है, भारत में क्या हुआ है, और साथ में वो भारत की ताकत को भी बता रहे हैं, वो भारत की कमजोरियों को भी बता रहे हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल एक्सचेंज है, अनौपचारिक तौर पर आदान प्रदान है जानकारी का जो भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहा है छात्रों के माध्यम से। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये डिजिटल दुनिया है, ये डिजिटल युग की दुनिया है। तो अगर वो वापस भी चले जाते हैं तो संपर्क एक दूसरे से लगातार बना रहता है, इसलिए भारतीय छात्रों की भूमिका मेरे हिसाब से बहुत अहम हो जाती है। भारत का पक्ष रखने में, भारत की बात रखने में और ब्रिटेन की बात सुनने में और भारत की तस्वीर बताने में, दोनों तरफ से। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है और अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करिए। मेरा जो यहाँ पे काम है, आई एम पर्सुइंग अ पीएचडी लाइक आई सेड, और इन किस चीज में? इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड माय वर्क इज बेसिकली ऑन किडनी स्टोन। पिछले कुछ सालों में आप कह रहे कि कितने और स्टूडेंट्स आपके हिसाब से पढ़े हैं यहाँ पर, तो आ रहे हैं शोध के लिए, रिसर्च के लिए और अंततः भारत और दुनिया दोनों को लाभ पहुँचाएंगे? मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी रिसर्च के मामले में पढ़े हैं। स्पेशली उसका रीज़न ये है कि हमारी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फंडेड हो रही हैं DST के द्वारा, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उनके थ्रू काफ़ी फेलोशिप्स होती हैं जिसके थ्रू बहुत सारे IIT से रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे आ सकते हैं ऑन अ विजिट। और उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो IITians हुए, यंग रिसर्चर्स हुए या फिर और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं रिसर्च करने। भारतीय स्टूडेंट के लिए यहाँ आने का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है आपके हिसाब से?
मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आप कुछ सीख सकते हैं, आप नई रिसर्च स्किल सीख सकते हैं, आपको नए डिवाइसेस पे काम करने को मिल सकता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी इनोवेशन ऑब्वियसली बात है बढ़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कल को वापस भारत जा सकें तो भारत को आप बहुत कुछ दे सकते हैं जो कि हम वहाँ पर रह के नहीं दे सकते हैं। बिकॉज अभी भी अगर आप इनोवेशन इंडेक्स में देखेंगे तो हमारी रैंकिंग कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ी नीचे है। तो वी हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू कोलैबोरेशंस। तो जहाँ से जैसे मान लीजिए कि मैं इस रिसर्च सेंटर में मैंने यहाँ पर रिसर्च करी, आई गो बैक टू इंडिया, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स चाहेंगे आप। हाँ बिल्कुल। ABP News, आपको रखे आगे।